in this one we are discussing the things further that is relating to chapter 1 quality control. इस वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा, अगर नहीं समझ आया हो तो. एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होते हैं तो लिस्टेड कंपनी के केस में उन्हें उन्हें अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है. तो देर मे बी द एमसीक्यू, आई डोंट नो ऑफकोर्स, बट देर मे बी द पॉसिबिलिटी. वी आर कवरिंग हियर द पॉसिबिलिटी डेट वॉट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड हाउ द सिलेबस लेड अस टू द पाथ ऑफ द क्वेश्चन विच विल बी आस्क इन द एग्जामिनेशन. ऑलराइट, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमें डिटरमाइन करना होगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड. एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना होगा कि सबसे पहले तो उसे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करना होगा, डिस्कस करना होगा मैटर्स, कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर है जो कि अराइज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, इंक्लूडिंग दोज आइडेंटिफाई विद एंगेजमेंट क्वालिटी. उसको उसके एंगेजमेंट पार्टनर को सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ डिस्कस भी करना होगा. एंड उसके बाद जब तक कंप्लीशन ना हो जाए एंड ऑल, उसके बाद हमारा आ रहा है दैट इज रिलेटिंग टू वॉट, दैट इज ये इसी का फर्दर पार्ट चल रहा है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के अंदर ही. इसमें फर्दर ये बोला जा रहा है कि जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है वो परफॉर्म करेगा एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड बाय द एंगेजमेंट टीम एंड द कंक्लूजन रीच इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड दिस इवैल्यूएशन शैल इन्वॉल्व. तो किस टाइप की इवैल्यूएशन होंगे, डिस्कशन करना होगा हमें सिग्निफिकेंट मैटर एंगेजमेंट पार्टनर्स के साथ. द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शैल परफॉर्म एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट. तो एंगेजमेंट, अब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को हमने अपॉइंट किया तो वो भी कुछ काम करेगा ऑब्वियसली, फ्री का तो कोई होता नहीं है. तो हम क्या बोलते हैं, तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वो परफॉर्म करेगा एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड बाय द एंगेजमेंट टीम ने जो सिग्निफिकेंट जजमेंट बनाया है एंड द कंक्लूजन रीच इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड दिस इवैल्यूएशन शैल इन्वॉल्व. इन इवैल्यूएशन में क्या इन्वॉल्व होगा, दैट इज डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स. वो डिस्कस करेगा चीज़ों को विद एंगेजमेंट पार्टनर्स के साथ, रिव्यू करेगा ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द प्रपोज ऑडिटर्स रिपोर्ट. रिव्यू करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रपोज ऑडिटर्स रिपोर्ट को, जो प्रपोज ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट जो जाने वाली है उसको वो रिव्यू करेगा. तो वो डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स को एंगेजमेंट टीम के साथ, वो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और जो प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट, जो संभावी ऑडिट रिपोर्ट जो कि जाने वाली है उसे भी वो देखेगा. रिव्यू करेगा सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट इन एंगेजमेंट टीम मेड एंड द कंक्लूजन एट रीच. रिव्यू करेगा क्या, रिव्यू करेगा सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को. वो रिव्यू करने की कोशिश करेगा सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट द एंगेजमेंट टीम मेड एंड द कंक्लूजन एट रीच. इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन रीच इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन कंसिडरेशन ऑफ वेदर द प्रपोज ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट. इवैल्यूएशन करने की कोशिश करेगा ऑफ द कंक्लूजन रीच कि कहाँ तक वो अपने कंक्लूजन में पहुंचा है. इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन कंसिडरेशन ऑफ वेदर द प्रपोज ऑडिटर रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है भी या नहीं है. तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल जो रिव्यूअर है वो क्या करेगा, वो डिस्कस करेगा वो सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेगा एंगेजमेंट पार्टनर्स के साथ. वो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट को. वो रिव्यू करेगा सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट जजमेंट इन एंगेजमेंट टीम मेड और जो भी कंक्लूजन हुए एन इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन रीच इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन कंसिडरेशन वेदर द प्रपोज ऑडिटर रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट. For audit of financial statement of listed entity, the engagement quality control reviewer on shall consider karega evaluation of the firm independence in relation to the audit engagement. वो क्या चीज़ें, वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, द एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द ऑडिट एंगेजमेंट. द एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन, हम क्या बोलते हैं, द एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द ऑडिट एंगेजमेंट. द एंगेजमेंट टीम्स इवैल्यूएशन करेगा ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द ऑडिट एंगेजमेंट. वेयर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस ऑन अ मैटर इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और अदर डिफिकल्ट ऑफ कंटेंशियस मैटर एंड द कंक्लूजन अराइजिंग फ्रॉम दोज कंसल्टेशन. वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस, के अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हुए है ऑन द मैटर्स इन्वॉल्विंग द differences of opinion or other difficult contentious matter and the conclusion arising from.
तो फॉर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ऑन परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शुड ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग। अब हम क्या, हमने पहले जो चीज़ें डिस्कस की थी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ, कि वो डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स को, वो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा, वो रिव्यू करेगा सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो कि सिग्निफिकेंट जजमेंट से रिलेटेड, इवेल्युएट करेगा इवेल्युएशन द कंक्लूजन रीच इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ वेदर जो प्रपोज ऑडिटर रिपोर्ट है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। ये तो हमारा क्या नॉर्मल सिनेरियो, बट अब हम ये बात कर रहे हैं जब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो लिस्टेड कंपनीज के केस में मैंडेटरी होता है, तो वो लिस्टेड कंपनीज के केस में कुछ एडिशनल चीज़ें भी करेगा। वो क्या करेगा, द एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द ऑडिट एंगेजमेंट, जो वो EQCR है वो इंडिपेंडेंस भी देखेगा फर्म की इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द ऑडिट एंगेजमेंट, वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस ऑन मैटर इन्वॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और अदर डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर एंड द कंक्लूजन अराइजिंग फ्रॉम दोज कंसल्टेशन। उसके बाद वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज़ टेकन प्लेस, क्या कोई अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन जो है उन्होंने अपनी जगह ली है ऑन द मैटर्स इन्वॉल्विंग द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और अदर डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर एंड कंक्लूजन अराइजिंग फ्रॉम दोज कंसल्टेशंस, और जो भी कंक्लूजन अराइज हुई है फ्रॉम दोज कंसल्टेशन, वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस ऑन मैटर्स, कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई है, वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस ऑन मैटर्स, वेदर अप्रोप्रिएट कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई है ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग जहाँ पर डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं और अदर डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर एंड कंक्लूजन अराइजिंग फ्रॉम दोज कंसल्टेशन, वेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सेलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट करता है द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच, वेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सेलेक्टेड के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को सेलेक्ट किया है फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच। तो जब EQCR जो है लिस्टेड कंपनीज की वो लिस्टेड कंपनीज के केसेस में जब उसे अपॉइंट किया जाता है, तो उसे कुछ एडिशनल चीज़ें देखनी होती है, उसे देखना होता है कि एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस, जो एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन है ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द ऑडिट एंगेजमेंट, दैट व्हाट आर द एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन, व्हाट आर द एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू, व्हाट आर द एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द ऑडिट एंगेजमेंट। उसके बाद वेदर एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन प्लेस ऑन अ मैटर्स इन्वॉल्विंग, जहाँ पर डिफरेंसेज आई है तो क्या वहाँ अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई है, और अदर डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स पर कंक्लूजन अराइजिंग फ्रॉम दोज कंसल्टेशन, जहाँ पे भी डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन आई क्या वहाँ पे अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है क्या, वेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सेलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म, जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सेलेक्ट की है फॉर रिव्यू क्या वो रिफ्लेक्ट करिए द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मतलब होता है डिफरेंसेस, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, इफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अराइज विद इन द एंगेजमेंट टीम, अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अराइज होती है विद इन द एंगेजमेंट टीम विद दोज कंसल्टेंट और अदर एप्लीकेबल बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर इन द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, द एंगेजमेंट टीम शैल फॉलो करेगी द फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉर डीलिंग विद रिजॉल्विंग द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। उसके बाद हम जैसे कि एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि GVN एंड एसोसिएट आर ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व्स अ फिनटेक सेक्टर, अब लिस्टेड कंपनी है तो EQCR जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा, द एंगेजमेंट टीम इज स्टाफ विद सम इश्यू पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर इंडेस एप्लीकेबल टू दी कंपनी, क्या कोई पर्टिकुलर इंडेस कंपनी पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, दे हैव फ्रेम्ड अ क्वेरी एंड सेंट टू ICAI फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द मैटर, द इशू वॉज रिजॉल्व अपॉन रिसेप्ट ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, Since expert opinion was provided by ICAI, engagement team was of the view that appointment of engagement quality control reviewer has lost its relevance. Do you agree now? ऐसा नहीं है, उनको appoint तो करना ही पड़ेगा, और अगर differences आती है opinion में तो फिर ऐसी understanding का question number 4, तो you can see it in the आपको
मिल जाएगा ये स्टडी मटेरियल में। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इन लिस्टेड एंटिटी इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जो EQCR है वो मैंडेटरी है लिस्टेड एंटिटीज में। एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ ICAI पर्टेन टू इश्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन। द अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर इज अ सेपरेट एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन द ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। तो छोटा ही आंसर दिया है और कुछ ज़्यादा इसमें दिया नहीं है। उसके बाद आता है हमारा मॉनिटरिंग। एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स अ मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रेलेवेंट एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंसिडर द रिजल्ट ऑफ फर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस एज एविडेंस इन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड बाय द फर्म एंड इफ एप्लीकेबल अदर नेटवर्क फर्म एंड वेदर डेफिशिएंसी नोटेड इन दैट इन्फॉर्मेशन में अफेक्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। तो हम क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग क्या है। मॉनिटरिंग जो है वो इतना इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर हम भी हम पढ़ तो रहे हैं। मॉनिटरिंग में क्या होता है कि इफेक्टिव सिस्टम है क्वालिटी कंट्रोल का उसमें इंक्लूड होगा मॉनिटरिंग प्रोसेस जो कि डिज़ाइन की जाए टू प्रोवाइड द फर्म विद रीजनेबल एश्योरेंस कि जो पॉलिसी वो रीजनेबल एश्योरेंस दे पाए कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो भी रिलेट करती है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वो रेलिवेंट है एडेक्वेट है ऑपरेट कर रही है इफेक्टिवली। द एंगेजमेंट पार्टनर कंसिडर करेगा द रिजल्ट ऑफ अ फर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस एज एविडेंस इन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड बाय द फर्म एंड अगर वो एप्लीकेबल अदर नेटवर्क फर्म एंड वेदर क्या डेफिशिएंसी जो भी नोटेड इन डेट इंफॉर्मेशन के वो अफेक्ट कर रही है ऑडिट एंगेजमेंट को। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। द एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू एन ऑडिट एंगेजमेंट। जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो डॉक्यूमेंट करेंगे फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू एन एंगेजमेंट। जो भी इशू आइडेंटिफाई किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एंड हाउ दे वर रिजॉल्व। डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या बताना है कि जो भी इशू आइडेंटिफाई किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू जो भी इशू आइडेंटिफाई किए गए हम क्या बोलेंगे कि जो भी इशू आइडेंटिफाई किए विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एंड हाउ दे वर रिजॉल्व और उसे कैसे रिजॉल्व किया गया है। कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट डेट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट एंड एनी रेलेवेंट डिस्कशन विद द फर्म डेट सपोर्ट दिस कंक्लूजन। कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट डेट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट एंड एनी रेलेवेंट डिस्कशन विद द फर्म डेट सपोर्ट करता है दिस कंक्लूजन। कंक्लूजन रीज रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। कंक्लूजन रीज रिगार्डिंग की जो एक्सेप्टेंस है एंड कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट मतलब कि हमें कंक्लूजन देना है जो भी रीच है रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। नेचर क्या है स्कोप क्या है कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एंगेजमेंट। तो कौन से ऐसे इशू आइडेंटिफाई किए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट रेलिवेंट लॉज एंड हाउ कैसे वो रिजॉल्व किए कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिसे आइडेंटिफाई किया गया है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एंड हाउ दे वर रिजॉल्व। कैसे इशूज़ आइडेंटिफाई किए गए कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिसे आइडेंटिफाई किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एंड हाउ दे वर एड्रेस। कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट इट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट एंड एनी रेलेवेंट डिस्कशन विद द फर्म दैट सपोर्ट कर रहा है दिस कंक्लूजन। द नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। बिसाइड द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शैल डॉक्यूमेंट फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट रिव्यू डैट जो भी प्रोसीजर है रिक्वायर्ड बाय द फर्म पॉलिसी ऑन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैव बीन परफॉर्म। हम क्या बोलते हैं जो भी प्रोसीजर है जो कि रिक्वायर्ड है जो भी प्रोसीजर है जो कि रिक्वायर्ड है बाय द फर्म पॉलिसी ऑन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैव बीन वो परफॉर्म की गई है। द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड है ऑन एंड बिफोर द डेट ऑन एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो हम क्या बोलते हैं द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड है ऑन एंड बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। द रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर दैट वुड कॉज द रिव्यूअर टू बिलीव दैट सिग्निफिकेंट जजमेंट द एंगेजमेंट टीम मेड एंड द कंक्लूजन दे रीच वर नॉट अप्रोप्रिएट। देन आता है हमारा तो ये सारी चीज़ें हैं कि किन किन चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इशू जो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या वो कंप्लाई कर रहे हैं रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ वो कैसे रिजॉल्व हो रहे हैं। कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट इट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट एनी रेलिवेंट डिस्कशन विद फर्म डेट सपोर्ट कर रहा है दिस कंक्लूजन। कंक्लूजन रीच रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। द नेचर एंड स्कोप एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट।
प्रोसीजर्स क्या है विच इज रिक्वायर्ड बाय फर्म पॉलिसी एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, क्या वो परफॉर्म की गई है कि नहीं. द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज़ बिन कम्प्लीटेड ऑन एंड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर डेट वुड कॉज द रिव्यूअर टू बिलीव डेट सिग्निफिकेंट जजमेंट द एंगेजमेंट टीम मेड एंड द कंक्लूजन दे रीच वर नॉट अप्रोप्रिएट. SQC 1 वैसे SS 220 की डिफरेंस इन नेचर स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी. SQC 1 और SA 220 क्या है, इट अप्लाई SQC 1. अब हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं SQC 1 और SA 220 में. तो SQC 1 जो है वह अप्लाई होता है टू एंटायर फॉर्म पे एंड फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्म टू बी अज्यूम टू बी द CEO और द मैनेजिंग. फिक्सेस करता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्म टू बी अज्यूम बाई द CEO और द मैनेजिंग डायरेक्टर. ये अप्लाई होता है टू पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे एंड एंगेजमेंट पार्टनर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेम. एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है SA 220 के लिए, और यहाँ जबकि उसमें जो है CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एज अ होल. और इसमें क्या है कि पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है. इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑडिट एंड रिव्यू. जो SQC 1 है वो ऑडिट पे भी लगता है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी लगता है, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट पे भी लगता है. जबकि जो SA 220 है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पर ही. ये रिलेट करता है टू सेटिंग अप ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर्म ऑफ फर्म एज अ होल. ये रिलेट करता है टू सेटिंग अप ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर फर्म एज अ होल. और ये क्या है, ये डील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम टू इम्प्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स दैट आर एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट. ये पर्टेन करता है टू एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड विद अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट अ फर्म एंड द पर्सनल कंप्लाई कर रहे हैं विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ, सो दैट द रिपोर्ट इशू बाय द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर वो एप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टेंसेस में. पर्टेनिंग करता है एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड फर्म विद अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई कर रहे हैं विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ, सो दैट द रिपोर्ट इशू बाय द फॉर्मर एंगेजमेंट पार्टनर वो अप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टेंसेस. इट इज प्रिमाइज ऑन द बेसिस दैट द फॉर्म इज सब्जेक्ट टू SQC 1, देयरफॉर SQC 1 इज अ साइन अ क्वा नून फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ SA 220. इट इज विद इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ अ फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट टीम इम्प्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट. उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिलेटिंग टू दी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5. RST एंड कंपनी एक फॉर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ऑडिटर है, लिस्टेड कंपनी के एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी मशीनरी कंपोनेंट. तो ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर 2021-22 आल्सो इंक्लूडेड रिपोर्ट ऑन अ मैटर लिस्टेड इन कारो 2020 व्हाइल रिपोर्टिंग अंडर क्लोज 7 ऑफ द सैड ऑर्डर रिलेटिंग टू रेगुलरिटी ऑफ undisputed statutory dues of the company. The auditor have comments that company is generally regular in depositing the statutory dues due to appropriate authorities above reporting qualitative is in line with SA 220. तो हम क्या बोलते हैं कि subject type of reporting is not qualitative, it is not in accordance with SA 220. One of the objective of the auditor as per SA 220 is to implement quality control procedure at the engagement level that provide the auditor with reasonable assurance that ki audit jo hai wo comply kar raha hai professional standard legal regulatory requirements ke sath, the reporting under CARO 2020 is not proper as the audit does not comply with regulatory legal and regulatory requirements ke sath comply nahi kar raha hai. Uske baad hum aa jate hain mechanism for review of quality control. Mechanism for review of quality control पीयर रिव्यू बोर्ड क्या होता है, पीयर रिव्यू बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ ICAI. जो पीयर रिव्यू बोर्ड है वो कंस्टिट्यूट किया जाता है किसके द्वारा, वो कंस्टिट्यूट किया जाता है बाय द काउंसिल ऑफ ICAI. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पीयर रिव्यू बोर्ड का वो इज टू इंश्योर डेट इन कैरिंग आउट द एश्योरेंस असाइनमेंट टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आर कम्प्लाइड विद बाय द मेंबर ऑफ ICAI. पीयर रिव्यू बोर्ड जो है वो कंस्टिट्यूट किया जाता है बाय द काउंसिल ऑफ ICAI. ये इसमें बोला जाता है टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड और जो जो भी है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वो कम्प्लाई किया जा रहा है बाय द मेंबर्स ऑफ ICAI. प्रॉपर सिस्टम आर इन प्लेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर. टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कम्प्लाई किया जा रहा है विद बाय द मेंबर ऑफ ICAI. प्रॉपर सिस्टम आर इन प्लेस इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंटेशन देयर ऑफ विद
जो कि एम्पली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स। पीरियड रिव्यू मीन्स एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर द सेम हैव बीन पुट इन प्लेस बाय द प्रैक्टिस यूनिट फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या हुआ होगा, व्हाट विल बी द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, हैज बीन सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ आईसीए। और जो फंक्शन है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है वो सेटअप किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, जो कि पीयर रिव्यू बोर्ड जो है, पीयर रिव्यू बोर्ड वो क्या कहा जा रहा है, पीयर रिव्यू बोर्ड जो है वो सेटअप कंस्टिट्यूट हो रहा है बाय आईसीए के द्वारा, जबकि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप हो रहा है। तो अगर गलती से भी एमसीक्यू आ गया तो हम कंफ्यूज ना हो जाए कि पीयर रिव्यू बोर्ड जो है वो आईसीए के द्वारा हो रहा है, पीयर रिव्यू बोर्ड जो है वो आईसीए के द्वारा हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द काउंसिल। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और आईसीए वाले होते हैं, और जो फंक्शन है वो क्यूआरडी आर एस फॉलो। और वॉट आर बेसिकली द फंक्शन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, वॉट आर द फंक्शन ऑफ द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के क्या फंक्शन होता है, टू मेक रिकमेंडेशन टू द काउंसिल रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स। रिकमेंडेशन देना टू द काउंसिल रिगार्डिंग कि किस क्वालिटी का जो सर्विस प्रोवाइड की गई है बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट के द्वारा, रिव्यू कीजिए दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग द सर्विस, टू गाइड द मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड एडहेरेंस टू वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। To review the quality of service provided by the members, review किया जाए the quality of service which is provided by the member of the institute including the audit services. To guide the member of institute to improve the quality of service in adherence to various statutory and other regulatory requirements. The statutory auditor in respect of the company are identified for their audit quality review based upon risk-based approach. The review is carried out by technical reviewers who are empaneled by QRB Quality Review Board on engagement basis from across the country. Then आता है हमारा National Financial Reporting Authority, that is NAFRA. National Financial Reporting Authority क्या monitor कीजिए, enforce कीजिए compliance with accounting standards and auditing standards के साथ। अब monitor कीजिए, enforce कीजिए NAFRA, जो National Financial Reporting Authority है। NAFRA has been constituted in terms of section 132 subsection 1 of the Companies Act. Section 132 subsection 1 of the Companies Act बोलता है NAFRA के बारे में। नेफ्रा कंस्टिट्यूट हुआ है, ड्यूटी क्या है नेफ्रा की, मॉनिटर करना है, इन्फोर्स करना है कंप्लायंस का, कंप्लायंस किया है या नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, ओवरसी करे द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशन एसोसिएटेड विद, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद सच अ स्टैंडर्ड एंड सजेस्ट मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। It has power to monitor and enforce compliance with accounting standard and auditing standard and oversee the quality of service under section